Hello everyone, welcome back to Neat Learning Channel, and today we will discuss about morphology of flowering plants. This is the fifth chapter of NCERT. मैंने पिछले वीडियो में काफी सारी चीजें डिस्कस कर रही थी, जिसमें कि हमने पूरा फ्लावर्स का स्ट्रक्चर पढ़ा था. फ्लावर्स होते हैं कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं, तो कैलक्स, कैरोला एंड एंडोशियम एंड गायनोशियम. ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक था वो हमारा क्या होता है, डिस्कस हो गया था, कैलक्स हो गया था, कैरोला हो गया था एंड गायनोशियम एंड्रोशियम जो था वो भी क्लियर हो गया था. ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक एक और था वो क्या था, एस्टिमेशन, उसको भी हमने डिस्कस कर लिया था. ठीक है, कि एस्टिमेशन में कितने पार्ट होते हैं, वेलवेट था, बैक्सिलरी इम्ब्रिकेट एंड पैप्लियोनेसिस, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी. ठीक है, विद एग्जाम्पल के. तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, अभी हमें गायनोशियम फिनिश करना है. फ्लावर का जो फोर्थ पार्ट था उसे हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में. ठीक है, ओके. तो सबसे पहले हम गायनोशियम के बारे में पढ़ लेते हैं. क्या होता है गायनोशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड इट इज अ मेड अप ऑफ वन और मोर कार्पल. जो गायनोशियम होता है वो क्या होता है, फीमेल का जो मतलब कि जो फ्लावर का जो फीमेल पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसे क्या बोलते हैं, गायनोशियम बोलते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं, गायनोशियम बोलते हैं. ठीक है, फिर देखिए जो कि वन या फिर वन से ज्यादा जो है कार्पल उनमें प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, फिर देखिए कार्पल कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट, नेमली स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. हमने इसको स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया है, मतलब पीछे हमारे जो बहुत सारे सेशन हो चुके हैं या फिर प्लांट किंगडम हो चुका है, तो उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि जो फीमेल का जो कार्पल पार्ट होता है वो क्या होता है, थ्री पार्ट में डिवाइड होता है. कौन कौन सा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ठीक है, क्या क्या था, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ओके, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ओवरी इज इलोंगेटेड बेसल पार्ट ऑन विच लाइज द इलोंगेटेड ट्यूब ऑफ द स्टाइल. तो इसके बारे में देखते हैं कि जो स्टाइल स्टिग्मा होता है, ओवरी स्टिग्मा होता है सबसे पहला ऊपर वाला पार्ट, फिर क्या होता है, स्टाइल होता है, और सबसे नीचे क्या होता है, ओवरी होता है. ठीक है, ओके. जो मतलब कि एज अ फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्या किसका, तो स्टाइल का जो होता है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे जिसके थ्रू जो मेल गैमेट होते हैं वो जाते हैं. ठीक है, ओवरी तक, ओवरी के पास तक या फिर ओवियल के पास तक जाते हैं. ठीक है, फिर देखिए स्टाइल कनेक्टेड द ओवरी टू द स्टिग्मा. वही बताया मैंने कि स्टाइल होता है वो स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करता है. ठीक है, फिर देखिए द स्टिग्मा इज यूजली एट द टिप ऑफ द स्टाइल एंड इज अ रिसेप्टिव सरफेस ऑफ पॉलन ग्रेन्स. जो स्टाइल होता है, जो स्टिग्मा पार्ट होता है, वहां पर क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स आकर अटैच हो जाते हैं. फिर पॉलन ग्रेन्स जो होता है वो मेल गैमेट को जनरेट करते हैं, और उसके थ्रू स्टाइल के वो जो मेल गैमेट होते हैं वो स्टाइल में, स्टाइल के थ्रू होते हुए कहां तक जाते हैं, ओवरी तक. ठीक है, या फिर ओवियस तक. फिर देखिए जो ये मतलब जो गायनोशियम होता है वो दो टाइप का होता है, कौन कौन सा, एपोकार्पस एंड सिनकार्पस. ठीक है, एपोकार्पस के बारे में देखते हैं. When more than one carpel present, they may be free and is in a lotus and rose. It's called apocarpus. ठीक है, जो मतलब क्या भी मैंने बताया कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसमें क्या होता है, कार्पल प्रेजेंट होते हैं. अब वो बहुत सारे भी हो सकते हैं और एक दो भी हो सकते हैं या फिर बहुत सारे भी हो सकते हैं. ठीक है, तो जब बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं कार्पल, तो उन्हें क्या बोलते हैं, वो भी फ्री फॉर्म में, तो उसे क्या ऐसे इन्हें क्या बोलते हैं, एपोकार्पस बोलते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं, एपोकार्पस. एग्जांपल की बात करें तो लोटस एंड रोज. ठीक है, लोटस एंड रोज जो है इनमें क्या होता है, कार्पल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, एपोकार्पस बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सिनकार्पस की. व्हेन कार्पल आर फ्यूज्ड इन अ मस्टर्ड एंड टोमेटो, अगर कार्पल जो है वो क्या है, फ्यूज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है. ठीक है, ओके, एक दूसरे से अटैच है, तो उसको क्या बोलते हैं, सिनकार्पस बोलते हैं. ठीक है, फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसे क्या बोलते हैं, एपोकार्पस, और अगर फ्यूज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसे क्या बोलते हैं, सिनकार्पस बोलते हैं. ठीक है, अभी मैंने बात करी कि अगर वो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसका क्या एग्जाम्पल क्या है, लोटस एंड रोज. ठीक है, बट अगर फ्यूज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसका एग्जाम्पल क्या है, मस्टर्ड एंड टोमेटो. ठीक है, ओके, तो इससे भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम्पल से. ओके, तो मस्टर्ड एंड टोमेटो जो है वो सिनकार्पस का एग्जाम्पल है. ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, प्लेसेंटेशन. इसके बारे में देखते हैं. द अरेंजमेंट ऑफ ओवियल्स विद इन ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन. अगर ओवरी मतलब ओवरी में जो ओवियल्स का अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्लेसेंटेशन. ठीक है, क्या बोलते हैं, प्लेसेंटेशन. ओके,
ये जो प्लेसेंटेशन होता है वो कितने टाइप का होता है? फाइव टाइप का होता है, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? मार्जिनल, एक्साइल, पराइटल एंड फ्री सेंट्रल एंड बेसल, ठीक है? ओके, तो इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्या होता है मार्जिनल? प्रेजेंट ऑफ ऑल रिज अलोंग द वेंट्रल सुचर्स ऑफ ओवरी एंड ओव्यूल्स प्रेजेंट आर द रिज ऑफ टू रोज। जब ओवरी में ओव्यूल्स जो होते हैं वो टू पार्ट में कवर्ड होते हैं, ठीक है? क्या होता है? जब ओवरी में ओव्यूल्स होते हैं वो टू पार्ट में कवर्ड होते हैं, ठीक है? या फिर टू मतलब रोज के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? टू रो में प्रेजेंट होते हैं, टू रो के अंदर रहते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? मार्जिनल, ठीक है? क्या बोलते हैं? मार्जिनल। ओके, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे पी प्लांट, ठीक है? तो पी जो होता है वो उसमें क्या होता है? उसमें इसी टाइप का प्लेसेंटेशन होता है, इसलिए क्या है? पी जो है वो किसका एग्जाम्पल है? मार्जिनल प्लेसेंटेशन का, ठीक है? क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्या है? एक्साइल प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटा इज एक्सियल एंड ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू इट इन अ मल्टीलोक्युलर ओवरी। इसमें क्या होता है? जो प्लेसेंटा से मतलब प्लेसेंटा जो होता है वो किससे अटैच होता है? ओव्यूल से। ओके, किससे अटैच होता है? ओव्यूल से, ठीक है? उसमें क्या होता है? ओवरी में क्या होता है? बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उसे क्या बोलता है? बोला गया है एक्साइल प्लेसेंटेशन, ठीक है? क्या बोला गया है? एक्साइल प्लेसेंटेशन, जिसमें कि सेंट्रल में सेंट्रल से जो ओव्यूल्स होता है वो अटैच होता है, ठीक है? ओके, फिर तो इसका एग्जांपल क्या है? इसका शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको रिवाइज करना है, मतलब सिंपल से अगर लर्न करना है, तो टीएलसी, मतलब कि फुल फॉर्म क्या है? ये शॉर्ट फॉर्म में क्या है? टीएलसी, मतलब कि टी से टोमेटो, एल से लेमन, सी से चाइना रोज, ठीक है? ओके, टोमेटो, लेमन एंड चाइना रोज। ओके, शॉर्ट फॉर्म में आप कैसे लर्न कर पाएंगे? तो टीएलसी। ओके, फिर देखते हैं थर्ड क्या है? पैराइटल प्रेजेंटेशन। ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल एंड ऑफ द ओवरी और पेरिफेरल पार्ट। इसमें क्या होता है? जो ओवरी होता है, ओवरी में जो ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं? पेरिफेरी पे होते हैं, ठीक है? क्या होते हैं? पेरिफेरी पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला गया है? पैराइटल, ठीक है? क्या बोला गया है? इससे आप अच्छे से लर्न कर पाएंगे। कभी कभी डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है, तो आपके मतलब डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? पेरिफेरी, पेरिफेरल पार्ट, पी से पेरिफेरल पार्ट, पी से पैराइटल। तो पेरिफेरल जब डेफिनेशन में मिल जाएगा तो आप क्या समझ पाएंगे? कि ये पैराइटल है, ठीक है? किसकी डेफिनेशन है? पैराइटल प्लेसेंटेशन की, ठीक है? एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में एमए, दैट मीन्स मस्टर्ड एंड अर्जीमोन, ठीक है? क्या नाम है? मस्टर्ड एंड अर्जीमोन इज एग्जाम्पल ऑफ पैराइटल प्लेसेंटेशन, ठीक है? ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्री सेंट्रल की। फ्री सेंट्रल क्या होता है? ओव्यूल्स आर बॉर्न इन अ सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा आर एब्सेंट। इसमें क्या होता है कि जो पार्ट होता है वो क्या होता है? सेंट्रल में क्या मतलब जो भी मतलब ओव्यूल्स का पार्ट होता है वो क्या होता है? सेंटर पर प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे क्या बोला गया है? फ्री सेंट्रल, ठीक है? ओके, क्या बोला गया है? फ्री सेंट्रल, ठीक है? एग्जाम्पल की बात करें तो डीपी, ठीक है? मतलब कि डायंथस एंड प्रिमरोज, ठीक है? क्या नाम है? डायंथस एंड प्रिमरोज। ओके, फिर देखिए बेसल, बेसल के बारे में देख लेते हैं। प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ द ओवरी सिंगल ओव्यूल्स। इसमें क्या होता है कि जो ओवरी में सिंगल ओव्यूल्स प्रेजेंट होता है तो उसको इसे क्या बोलते हैं? बेसल बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं? बेसल। इस टाइप के जो प्लेसेंटेशन प्लेसेंटा होता है इसे क्या बोलते हैं? बेसल प्लेसेंटेशन, ठीक है? एग्जाम्पल की बात करें तो एमएस, दैट मीन्स मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर, ठीक है? क्या होता है एग्जाम्पल? मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर, ठीक है? तो ये सारी चीजें आप छोटे छोटे से एग्जाम्पल को आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है? टीएलसी मतलब टोमेटो, लेमन, चाइना रोज एंड एमए मस्टर्ड, अर्जीमोन, डीपी का मतलब डायंथस एंड प्रिमरोज, एमएस का मतलब मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर, ठीक है? तो इस तरीके से प्लेसेंटेशन के एग्जाम्पल आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है? फिर देखते हैं अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, क्या है? द फ्रूट, ठीक है? अभी तक हमने क्या किया? पूरा मॉर्फोलॉजी के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ लिया? कि इंट्रोडक्शन ले लिया था, फिर लीफ के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया, फिर हमने फ्लावर्स को डिस्कस कर लिया। अब हम उसके जो फ्रूट वाला पार्ट होता है उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है? फिर देखिए इसमें द फ्रूट में बायोलॉजिकल फ्रूट इज डिफाइंड एज अ राइपन ओवरी। जो भी इस टाइप के फ्रूट होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं? राइपन ओवरी, ठीक है? इनमें क्या होता है? राइपन ओवरी प्रेजेंट होती है, ठीक है? फिर देखिए लेयर ऑफ फ्रूट इज एपिकल, जिसे जो कि आउटर पार्ट होता है
ओके, मेसोकार्प जो कि मिडिल पार्ट होता है और एंडोकार्प मतलब कि इनर पार्ट होता है, ठीक है, जिसमें कि ड्रुप भी आता है। ड्रुप का एग्जांपल क्या है? मैंगो एंड कोकोनट, ठीक है, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, जो इससे कई बार क्वेश्चन आया है कि जो ड्रुप ऑफ ड्रुप फ्रूट होता है वो उसमें मतलब उसमें किसका एग्जाम्पल है, ठीक है, ओके, ड्रुप फ्रूट किसे कहते हैं, किसे किसको बोलते हैं, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, मैंगो एंड कोकोनट, ठीक है, ओके, या फिर उसमें एग्जांपल होगा मैंगो का, या फिर उसमें ऑप्शन होगा मैंगो का या होगा कोकोनट का, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ड्रुप फ्रूट होते हैं, ठीक है, जो कि एंडोकार्प का पार्ट होता है। पार्ट समझ में आए कि जो अंदर वाला पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, एंडोकार्प, उसके बाद वाला जो बीच वाला पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, मेसोकार्प, एंड सबसे बाहर वाला जो आउटर लेयर होता है उसे क्या बोलते हैं, एपिकार्प, ठीक है। फिर देखिए स्ट्रक्चर में जैसा आप देख पा रहे होंगे, फिर देखिए, इन द मैंगो द पेरिकार्प इज अ वेल डिफरेंशिएटेड इनटू एन आउटर थिन एपिकार्प। जो मैंगो का एपिकार्प वाला पार्ट होता है वो कैसा होता है, थिन होता है, ठीक है, उसे आप इजिली रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, ओके। फिर देखिए मिडिल फ्लैशी एडिबल मेसोकार्प एंड इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प कोकोनट ड्रुप मेसोकार्प इज अ फाइब्रस। जो मिडिल फ्लैशी मिडिल पार्ट होता है मैंगो का वो कैसा होता है, एडिबल होता है, ठीक है, ओके, कैसा होता है, एडिबल होता है, मतलब फ्लैशी होता है, इसलिए क्या है, एडिबल होता है, ठीक है, मतलब आप उसे खा सकते हैं, ओके। तो आपसे इससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो मैंगो का पार्ट होता है कौन सा पार्ट खाया जा, कौन सा पार्ट जो है एडिबल है या फिर ईटन है, तो आप क्या बताएंगे, मेसोकार्प, ठीक है, एंडोकार्प भी नहीं है, एपिकार्प भी नहीं है, क्या है, मेसोकार्प, जिसमें आपका जो फ्लैशी पार्ट होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम स्टोनी और हार्ड पार्ट की बात करें, मेसोकार्प का स्टोनी या हार्ड पार्ट की बात करें, तो वो उसमें किसका एग्जांपल आप करेंगे, तो कोकोनट, ठीक है, कोकोनट का जो मेसोकार्प वाला पार्ट होता है वो कैसा होता है, हार्ड होता है, जिसमें कि जो मतलब कैसा होता है वो, उसमें फाइब्रस प्रेजेंट होता है, ठीक है, फाइब्रस प्रेजेंट होने के कारण वो कैसा होता है, हार्ड होता है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट बात करेंगे द सीड की, सीड कैसा होता है, तो बायोलॉजिकल सीड इज डिफाइंड एज अ राइपन ओव्यूल, ठीक है, ओवरी क्या बनाता है, फ्रूट बनाता है, लेकिन जो ओव्यूल्स होता है जो कि ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है वो क्या बनाता है, सीड बनाता है, ठीक है, क्या बनाता है, सीड, ठीक है, तो इस टाइप के जो सीड होता है, इस टाइप के जो सीड होता है उन्हें क्या बोलते हैं, राइपन ओव्यूल, ठीक है, राइपन ओव्यूल से बनता है आपका सीड, ठीक है, जबकि राइपन ओवरी से आपका क्या बनता है, फ्रूट बनता है, ठीक है। फिर देखिए सीड जो होता है दो टाइप का होता है, कौन कौन सा, सीड कोट एंड इम्ब्रियो, ठीक है, सीड जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, सीड कोट एंड इम्ब्रियो। सीड कोट की बात करें तो मॉडिफिकेशन ऑफ इंटेग्यूमेंट, जो इंटेग्यूमेंट होता है वो क्या होता है, सीड के आउटर जो लेयर होती है, सीड को जो कवर करती है उसे क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट, ठीक है, या फिर सीड कोट भी बोलते हैं, जो कि इंटेग्यूमेंट से बना होता है, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या होता है, इम्ब्रियो होता है। फिर देखिए सीड डेवलप फ्रॉम ओव्यूल्स इनसाइड द ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, सीड डेवलप फ्रॉम ओव्यूल्स इनसाइड द ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन के बाद आप देखेंगे तो क्या होगा कि जो ओव्यूल्स होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सीड में, एंड जो ओवरी होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में, ठीक है। फिर देखिए सीड कोट के बारे में बात करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ आउटर टेस्टा एंड इनर टेगमेन। जो सीड कोट होता है उसमें क्या होता है, दो टाइप की लेयर होती है, कौन कौन सी, आउटर जो लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, टेस्टा, जबकि इनर जो लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं, टेगमेन, ठीक है, क्या होते हैं, टेगमेन बोलते हैं। फिर देखिए इट डेवेलप फ्रॉम आउटर एंड इनर इंटेगमेंट रेस्पेक्टिवली। जब आप ओव्यूल्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, दो टाइप की लेयर होती है, कौन कौन सी, इनर एंड आउटर, ओके, इंटेगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है, इनर इंटेगमेंट जो होता है वो टेगमेंट बनाता है, आउटर इंटेगमेंट जो होता है वो टेस्टा बनाता है, ठीक है। तो इस टाइप से जो इंटेगमेंट होता है वो आपका सीड कोट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे इम्ब्रियो की, जो कि अभी हमने पढ़ा था कि जो सीड होता है वो दो टाइप का होता है, सीड कोट एंड इम्ब्रियो। तो सीड कोट को हमने डिस्कस कर लिया, अब हम बात करेंगे इम्ब्रियो की, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ इम्ब्रियोनल एक्सिस नोन एज अ टाइजलम एंड विच इज टिपिंग डाउनवर्ड इनटू रेडिकल, ठीक है। जो इम्ब्रियो होता है उसमें क्या होता है, सबसे पहले जो इम्ब्रियोनल एक्सिस की बात करें जिससे हम क्या बोलते हैं, टिजलम भी बोलते हैं
एंड जो डाउनवर्ड पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, रेडिकल। ठीक है, क्योंकि जो रेडिकल होता है वो क्या बनाता है, रूट बनाता है। इसको हमने जो इंट्रोडक्शन ले रहे थे इस चैप्टर का, उसमें हमें बताया था जो रेडिकल होता है वो रूट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, फिर देखिए, पार्ट ऑफ टेजलम अबव द कोटिलेडॉन इज एपिकोटाइल व्हिच इज अ टिपर टू द प्लिम्यूल। जो प्लिम्यूल होता है वो क्या होता है, प्लांट का फॉर्मेशन करता है। ओके, प्लिम्यूल हो गया। तो जो टेजलम होता है वो क्या होता है, कोटिलेडॉन का फॉर्मेशन करता है। ओके, तो सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो प्लिम्यूल होता है। ठीक है, फिर देखिए, पार्ट ऑफ अ टेग्यूमेंट बिलो कोटिलेडॉन इज हाइपोकोटाइल। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है इम्ब्रियो का, उसे क्या बोलते हैं, एपिकोटाइल। एंड जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, हाइपोकोटाइल। ठीक है, एपिकोटाइल जो होता है वो क्या होता है, वो प्लिम्यूल को मतलब इंक्रीज करता है, और जो हाइपोकोटाइल होता है वो रेडिकल को इंक्रीज करता है। ठीक है, ओके, तो प्लिम्यूल से क्या बनता है, शूट बनता है, जबकि रेडिकल से क्या बनता है, रूट बनता है। ठीक है, ओके, इस तरीके से ऊपर भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है और नीचे भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ओके, फिर देखते हैं मैच्योर सीड के बारे में बात कर रहे थे। जब सीड मैच्योर हो जाता है तो वो जो होता है मैच्योर सीड जो होता है वो दो टाइप का होता है, कौन कौन सा, नॉन एल्ब्यूमिनस, जिसे हम नॉन एंडोस्पर्म भी बोलते हैं, और दूसरा पार्ट क्या है, एल्ब्यूमिनस या फिर एंडोस्पर्म भी बोलते हैं। ठीक है, अब इनके डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं। देयर आर नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म एज इट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियो फॉर्मेशन। जो एंडोस्पर्म होता है वो क्या होता है, उसका फॉर्मेशन कम्प्लीटली नहीं हो पाता, मतलब एंडोस्पर्म ज्यादा कम्प्लीटली उसका फॉर्मेशन हो पाता है, तो इसलिए क्या होता है, उसे क्या होता है, कब, क्या बोलते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस। ठीक है, क्या बोलते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस या फिर नॉन एंडोस्पर्म। इसमें क्या होता है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन जो है वो कम हो पाता है, ठीक है, या फिर मतलब नहीं हो पाता। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, नॉन एंडोस्पर्म। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो वो क्या है, पी। ठीक है, जितने भी वो डाइकोट वाले प्लांट होते हैं तो वो क्या होते हैं, किसके, वो उन्हें क्या बोलते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस बोलते हैं या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। ठीक है, फिर देखिए, एल्ब्यूमिनस के बारे में या फिर एंडोस्पर्मिक के बारे में देख लेते हैं। तो दे हैव रिटेन अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म एज इट इज नॉट कंप्लीटली यूज्ड ड्यूरिंग वीट। एग्जाम्पल की बात करें तो वीट, ठीक है, इसमें क्या होता है कि एंडोस्पर्म जो होता है परफेक्ट होता है। ठीक है, एंडोस्पर्म जो होता है परफेक्ट होता है, और जो इसमें क्या होता है, मैच्योर सीड प्रॉपर बनता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो वीट हो गया। ठीक है, जितने भी मोनोकॉट वाले प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं, एंडोस्पर्मिक होते हैं या फिर एल्ब्यूमिनस होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, एल्ब्यूमिनस होते हैं या फिर एंडोस्पर्मिक होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात मैंने कर ली वीड, क्योंकि जो भी मोनोकॉट वाले प्लांट होते हैं वो इसमें आते हैं, और डाइकॉट वाले प्लांट जो होता है वो किसमें आते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस में या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक में। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ। फिर देखते हैं, इन सम सीड सच एज ब्लैक पेपर एंड बीट रेमिनेंट ऑफ न्यूक्लियोलस आर ऑल्सो परसिस्ट दिस रेसिडुअल परसिस्ट कॉल्ड एज पेरिस्पर्म। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ब्लैक पेपर हो गया या फिर बीट हो गया, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, जिस मतलब जो सीड होता है, ऐसी कई काफी कई सारी सीड होती है, कुछ ऐसी सीड होती है जिनमें कि न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, जैसे कि ब्लैक पेपर हो गया और बीट हो गया। ठीक है, तो इस टाइप की जो सीड होती है उन्हें क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म भी बोलते हैं। ठीक है, फिर देखिए, सीड जो होता है वो दो टाइप का होता है, कौन कौन सा, मोनोकॉट सीड एंड डाइकॉट सीड। ठीक है, मोनोकॉट के बारे में देख लेते हैं, दे हैव अ सिंगल कोटिलेडॉन एंड जनरली इज एंडोस्पर्मिक। अभी मैंने बताया था कि जो भी एंडोस्पर्मिक होते हैं वो कैसे होते हैं, मोनोकॉटिलेडॉन, मतलब कि उनमें वन कोटिलेडॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, कितने कोटिलेडॉन, वन कोटिलेडॉन प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, मोनोकॉट सीड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मोनोकॉट सीड बोलते हैं। डाइकॉट के बारे में देख लेते हैं, दे हैव टू कोटिलेडॉन एंड जनरली इज अ नॉन एंडोस्पर्मिक। जैसे कि मैंने बताया कि जो डाइकॉट सीड होते हैं उनमें क्या होता है, डाइकोटिलेडॉन प्रेजेंट होता है, मतलब कि दो कोटिलेडॉन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं, डाइकॉट सीड बोलते हैं। ठीक है, ओके, या फिर ये नॉन एंडोस्पर्मिक के अंडर में आते हैं। ठीक है, फिर देखिए, डोरमेंसी के बारे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में देखते हैं। डोरमेंसी क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ सीड इज कॉल्ड एज अ डोरमेंसी। ठीक है, जो भी सीड जो होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में जब पड़े रहते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, डोरमेंसी। जैसे कि क्या हो गया,
जैसे कि काफी सारे एग्जांपल हो गए, जैसे कि बीन हो गया, ठीक है, बीन हो गया, पी हो गया, तो ये सारे क्या है, और उसके बाद हॉर्मोन्स हो गया, ठीक है। हॉर्मोन्स क्या है, ये क्या है, एक डोरमेंसी सीड है, ठीक है। क्या है, डोरमेंसी सीड, मतलब कि ये काफी, इन्हें ऐसे ही रखा रहे तो ये काफी टाइम तक रखे रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब इन्हें ग्रो कराना होगा तो आप इजिली ग्रो करा पाएंगे, ठीक है, ओके। तो इस टाइप के जो भी सीड होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, डोरमेंसी सीड, ठीक है। फिर देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलडॉन सीड। अभी हमने बात करी मोनोकोटिलडॉन और डाइकोटिलडॉन की, ठीक है। तो अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं कि मोनोकोटिलडॉन का स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है, ठीक है। इन अ मोनोकॉट ओनली वन कोटिलडॉन इज प्रोड्यूस मेज ऑनियन एंड पाम, ठीक है। इसमें जो होता है वन कोटिलडॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर लिया मैंने कि मेज हो गया, अनियन हो गया और पाम में, तो इनमें क्या होता है, मोनोकॉट होते हैं, ठीक है। इसलिए मतलब इनमें वन कोटिलडॉन प्रेजेंट होता है। फिर देखिए इन अ ग्रास फैमिली कोटिलडॉन इज कॉल्ड एज स्क्यूटिलम, इंपॉर्टेंट है, नीट के एग्जाम में कई बार आया, ठीक है, कि जो ग्रासेस फैमिली होती है उनके जो कोटिलडॉन होता है उनको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे, स्क्यूटिलम, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्क्यूटिलम। फिर देखिए इट कंसिस्ट ऑफ वन कोटिलडॉन, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, प्लिमियोल, कोलियोप्टाइल, रेडिकल, कोलियोराइजा, एलियोरॉन लेयर, ठीक है। इतने सारे पार्ट जो है मोनोकोटिलडॉन में मिलते हैं, ठीक है, ओके। एपिकोटाइल कवर्ड द कोटिलडॉन, जो कोटिलडॉन होता है उसको कौन कवर करता है, एपिकोटाइल, ठीक है, ओके। फिर देखिए एलियोरॉन लेयर इज अ मेड अप ऑफ प्रोटीन, जो सबसे बाहरी लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं, एलियोरॉन लेयर, जो कि प्रोटीन से बनी होती है। फिर देखिए इट सेपरेट आउटर कवरिंग ऑफ इंडोस्पर्म, जो बाहरी कवरिंग जो इंडोस्पर्म की होती है उसको अलग करती है, ठीक है, ओके। बाहरी कवरिंग जो इंडोस्पर्म, बाहरी कवरिंग जो होती है इंडोस्पर्म की, उसको एपिकोटाइल से अलग करती है, ठीक है, ओके। तो सबसे पहला पार्ट क्या हो गया, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें क्या होता है, सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, एपिकोटाइल, नीचे वाला क्या पार्ट होता है, हाइपोकोटाइल, ठीक है। ऊपर वाला जो पार्ट होता है क्या होता है, प्लिम्यो, जबकि नीचे वाला पार्ट क्या होता है, रेडिकल, ठीक है, क्या होता है, रेडिकल, ठीक है। तो प्लिम्यो से किसका फॉर्मेशन, कोलियोप्टाइल होता है उससे किसका फॉर्मेशन होता है, प्लिम्योल का, जबकि कोलियोराइजर जो होता है उससे किसका फॉर्मेशन होता है, रेडिकल का, मतलब रूट का, ठीक है। तो प्लिम्यो से आपका शूट का फॉर्मेशन होता है, जबकि रेडिकल से आपका रूट का फॉर्मेशन होता है, और आउटर में तो लेयर प्रेजेंट होती है कौन सी, एलियोरॉन लेयर, ठीक है, जो कि एंडोस्पर्म कवर करता है, ठीक है। फिर देखिए एडवांटेज ऑफ सीड के बारे में देख लेते हैं, दे आर यूज इन रिप्रोडक्टिव प्रोसेस सच एज पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होती है जिसमें कि पॉलिनेशन के थ्रू आपका जो मेल एंड फीमेल का पार्ट होता है फ्लावर में, तो वो क्या होता है, किसके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, पॉलिनेशन प्रोसेस के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। फिर देखिए दे स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल, जो सीड होता है वो क्या होता है, फूड को स्टोर करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। फिर देखिए सीड इज द बेसिक ऑफ आवर एग्रीकल्चर, जो सीड होता है इसी के थ्रू जो एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर होता है वो किसके थ्रू होता है, सीड के थ्रू, ठीक है। तो सीड जो है इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर में। फिर देखिए डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, अब हम पूरा फ्लावरिंग प्लांट में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि फ्लोरल फॉर्मूला क्या होता है, तो रिप्रेजेंटेड बाय द सम सिंबल्स, कई सारे जो पार्ट होते हैं अगर हम उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे तो कुछ सिंबल्स डिनोट किए जाते हैं उनके बारे में देते हैं, ये सारे सिंबल्स हैं और इनको मतलब इनके बेस पे क्या है, फॉर्मूला बनाया जाता है, ठीक है, क्या बनाया जाता है, फ्लोरल फॉर्मूला भी बनाया जाता है, ठीक है। सभी जितने भी सारी भी फैमिली प्रेजेंट होती है उनमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले होते हैं जो कि इनके थ्रू बनाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इनके बारे में देख लेते हैं, बी आर से क्या होता है, ब्रैटिएट, के मीन्स कैलक्स, सी फॉर कैरेला एंड पी फॉर पेरियंथ, एंड मेल एंड फीमेल का स्ट्रक्चर आप जानते ही हैं कि इनका सिंबल कैसा होता है, तो ये हो गया मेल का सिंबल एंड ये हो गया फीमेल का, ठीक है। ए फॉर एंड्रोशियम एंड जी फॉर क्या होता है, गाइनोशियम, अगर मतलब जी के नीचे अंडरलाइन है तो उसे क्या बोलते हैं, सुपीरियर ओवरी, और जी के ऊपर लाइन है तो इसे क्या बोलते हैं, इंफीरियर ओवरी, ठीक है। गाइनोशियम के अगर नीचे लाइन है तो अंडरलाइन है तो उसे क्या बोलते हैं, सुपीरियर ओवरी, लेकिन गाइनोशियम के अगर ऊपर लाइन है तो उसे क्या बोलते हैं, इंफीरियर ओवरी, ठीक है, ओके।
फिर देखिए मेल एंड फीमेल जो है अगर एक ही में प्रेजेंट है, दोनों का सिंबल इस टाइप का होता है, तो इसे क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल। ठीक है, क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल। ओके, फिर उसके बाद एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक का सिंबल क्या होता है? अगर प्लस साइन होगा सर्कल में तो उसे क्या बोलते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक। बट अगर परसेंटेज का साइन होगा तो उसे क्या बोलते हैं? जाइगोमॉर्फिक। ठीक है, और अगर ब्रैकेट्स का साइन होगा तो इसका मतलब क्या है? फ्यूजन। ठीक है, क्या है? फ्यूजन। ठीक है, तो ये सारे सिंबल जो है वो इंपॉर्टेंट है किसी भी फ्लोरल फॉर्मूला को लिखने में। ठीक है, ओके, तो ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फैमिली। जो भी फैमिली होती है जिसको मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लांट को अलग अलग फैमिली में रखा गया है, ठीक है, तो उसको हम, ये जो हमारा टॉपिक है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू।